देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों के विरोध में आम आदमी पार्टी की जिला जलंधर इकाई ने आज डीसी कार्यालय के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। इस अवसर पर आप पार्टी सीनियर नेता शिवदयाल माली ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बढ़ रही महंगाई में आम आदमी को अपना घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए ताकि इन लोगों को महंगाई से राहत पाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन और तेजी से करेगी। पंजाब की कैप्टन सरकार पर बरसते हुए माली ने कहा कि गत विधानसभा चुनावों में किए गए वादों पर कैप्टन सरकार खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने युवाओं को फोन देने, घर घर नौकरी और पंजाब से नशे को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन पंजाब सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर केजरीवाल की दिल्ली सरकार की तर्ज पर पंजाब में भी मुफ्त पानी, सस्ती बिजली, शानदार स्कूल, आलिशान मोहल्ला, क्लिनिक आदि बनाए जाएंगे। आए सुनते हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता शिवदयाल माली ने इसके अतिरिक्त और क्या कहा। मैं डॉक्टर शिवदयाल माली, सीनियर नेता आम आदमी पार्टी जलंधर वेस्ट। सर, आज तक कड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज का जो प्रोटेस्ट है, मैं प्रोटेस्ट या प्रदर्शन नहीं गिनता, मैं आवाम की आवाज़ न बुलंद करने की एक कोशिश गिनना। वो कोई भी राजनीतिक पार्टी कर सकती हैगी, पर क्योंकि सारिया राजनीतिक पार्टियां रवायती पार्टियां दलाल बन चुकिया ने, वो अपनी आवाम की आवाज़ दिया वोटा तो लैन वेले तैयार हो जाए ने, लोगों के घर हथ जोड़ दिया, उन्होंने पैरी पैंदियां जाके, लेकिन औखे समय के उत्ते आवाम के नाल लोगों के नाल कदे नहीं खड़ दिया। हुण कांग्रेस की सरकार है सूबे दे विच, इहो ही कांग्रेस सरकार जां सत्ता तो बाहर सी अकालियों के विरोध के विच जां बीजेपी के विरोध के विच, ये तो आम आदमी पार्टी नूं ए अपने भाजपा की बी टीम कहिंदे आ। मैं कहना अकाली कांग्रेस हर तरह की रवायती पार्टी, वो बी सी एक्स वाई जैड तक सारिया टीमां वो है, और सानू नजायज़ बदनाम किया जा रहा है। इस वास्ते कि असी लोगों की आवाज़ उठाने, अज भी असी लोगों की आवाज़ नूं बुलंद करन लई इत्थे इकट्ठे होए। लगातार पेट्रोल डीजल ते गैस दे रेट दिनों दिन वधदे जा रहे हैं, इस बारे की कहना चाहोगे? मैं तो पहले ही कह चुका हाँ कि 34-35 रुपये लीटर जिहड़ा इंटरनेशनल मार्केट के विच तेल क्रूड ऑयल की कीमत है, 100 रुपये विक रहा देश के विच, सरकार वो जवाब देवे कि 100 रुपये के विच 65 रुपये जिहड़े ऐड हो रहे हैं वो किहनां दीआं जेबां च जा रहे हैं, वो कौन है इंसान जिहड़ा कि सेंटर का हिस्सा किन्ना, सूबे का हिस्सा किन्ना, और डीलरां का किन्ना, अदानी अंबानी का किन्ना, पूंजीपतियों का किन्ना, वो सरकार क्यों नहीं एक वाइट पेपर लैके इन्नी बेताशा महंगाई के उत्ते एक वाइट पेपर जारी करे सरकार, और जिहड़ा 35-34 रुपये तो 100 रुपये तेल विक रहा उहदी पूरी डाटा वाइज वो नागरिकां नूं दसे वी साडा कोई कसूर नहीं। वो एक गल कह के कि डीरेगुलेट कर दिता जी, कंपनियां लुट रही हैं, तो फिर तुसी कदली बैठे हो, इहदा मतलब कंपनियां देश नूं चला रही हैं, तो फिर लोग सही पिटदे आ कि अदानी अंबानी चंद पूंजीपतियां नूं सारे हकूक दे दिओ, पार्लीमेंट विच उहनां नूं बिठा दिओ, तो तुसी बाहर बैठो, तुसी पंप ते तेल पाओ आके, तो हुण अदानी अंबानी नूं पार्लीमेंट च राज्यसभा दे विच बिठाओ तां कि लोगां ते लोक पक्षी नहीं लोगों के विरोध के फैसले जिहड़े लै रहे हैं ताकि वो लैन, हुण तुसी लै रहे हो उहनां नूं लैन दिओ, तुसी सच्चाई बयान करो। आवाम जानना चाहुंदा है कि यह स्थिति क्यों है, इदा ये 800-900 रुपये का 850 का सिलेंडर क्यों है, तो 2 महीने के 250 रुपया क्यों वध गया है, लोगों नूं दसो आके, जे तुसी नहीं दसना चाहते फिर तुहानू उस कुर्सी ते बहन का कोई हक नहीं गा, ना प्रधानमंत्री बनन दा, ना मैंबर लोक सभा दे मैंबर बनन दा, तुहानू कोई हक नहीं, उन्हां कुर्सियां दे उत्ते पूंजीपतियां नूं बिठा दिओ ताकि वो अपनी मनमर्जी दे फैसले लै। जलंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है, फ्री रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी,
मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुम सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील